अनुभवार्थम् भवोद्भवः। आस्था व धर्म का प्रतीक भारतीय पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आज शहर में हर्षोल्लास के साथ सार्वजनिक एवं निजी परिवारों में मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मुख्योत्सव रात 12 बजे मनाया गया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर संपूर्ण शहर कृष्णमय हो गया। विभिन्न संस्थाओं ने कान्हा के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने की संपूर्ण तैयारी कर ली थी। प्रत्येक मंदिर में श्री कृष्ण की लीलाओं की झांकियां सजाई गई। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह के साथ आज संपूर्ण नगर में बधाई के कार्यक्रम आयोजित किए गए। भक्ति के सागर में डूबी नगर की महिलाओं ने एक समूह में संगीत में भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर्व पर माँ यशोदा को बधाई दी। यह प्रेम व वात्सल्य का आत्मविभोर प्रसंग अपने आप में अद्भुत प्रतीत हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण के बाल मूर्ति को एक रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित कर विभिन्न स्थानों पर नंदोत्सव मनाया गया। शहर के भानापेट वार्ड स्थित पुरातन कृष्ण मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, जय दुर्गा माँ शक्तिपीठ और गुलाबदास मठ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम और विधि विधान के साथ मनाया गया। भक्त भक्ति में झूमकर नाचते गाते नजर आए। भक्तों ने बढ़ चढ़ कर होने वाले सभी भक्ति कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वसुदेव जी महाराज ने चरण पकड़ लिए और प्रार्थना करते हुए कहा, हे महाराज कंस, आपकी इस अबला बहन ने आपका क्या बिगाड़ा है? यह देवकी अभी तो विवाह करके विदा हो रही है। आप बड़े प्रेम से अब तक इसे विदा कर रहे थे, एक पल में आपने इतना क्रोध धारण कर लिया। महाराज, आप देवकी के प्राणों को छोड़ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, यदि आपको देवकी की होने वाली संतानों से भय है, मैं अपनी होने वाली प्रत्येक संतान आपकी गोद में ला करके दे दूँ। इस प्रकार से वचन दिया। कंस जानते हैं वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, और इसलिए आज वसुदेव की प्रार्थना को स्वीकार कर देवकी को जीवन दान दिया। हम सब का तारणहार वो परमात्मा हम सब के बंधनों को विवाह
पते नंद नंदना कृष्णा रुक्मिणी पते जय जनार्दना कृष्णा राधिका पते नंद नंदना कृष्णा रुक्मिणी पते जय जनार्दना कृष्णा राधिका पते नंद नंदना कृष्णा रुक्मिणी पते पते।